जयपुर न्यायालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की संदिग्ध हालत में मौत की निष्पक्ष जांच नहीं होने से सेशन कोर्ट के कर्मचारियों ने सोमवार को न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर दिया। कर्मचारियों ने कोर्ट से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर विरोध जताया। नारेबाजी करते हुए कर्मचारी मृत्यु की निष्पक्ष जांच कराने की मांग पर अड़े थे। कर्मचारियों का कहना था कि जयपुर कोर्ट के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सुभाष मेहता की संदिग्ध अवस्था में अधिकारी के घर पर मृत्यु हुई थी, जिसकी सीबीआई से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यह बहुत गंभीर विषय है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई उचित जांच नहीं की है और ना ही कोई सख्त कार्रवाई का कदम उठाया है। कर्मचारियों ने बताया कि अगर इस मामले में मौत की निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं करवाई जाती है तो कार्य का बहिष्कार जारी रहेगा। बता दें कि कोर्ट के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की मौत के बाद से कोर्ट के कर्मचारी बीते 13 दिन से निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन मामले में कार्यवाही नहीं होने पर वे अब हड़ताल पर उतर आए हैं। इधर कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार से न्यायालय के काम प्रभावित हो रहे हैं। न्यायिक कर्मचारी संघ उदयपुर के अध्यक्ष विशाल गदिया ने बताया कि संदिग्ध हालत में न्यायिक अधिकारी के घर अच्छे भले कर्मचारी की मृत्यु हो जाना चिंता का विषय है। हालांकि 13 दिन बाद जाकर मामले में FIR हुई, लेकिन हम सख्ती से जांच की मांग कर रहे हैं जिससे दोषी को पकड़ा जा सके। तब तक हम काम पर नहीं लौटेंगे।